Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। उत्तराखंड के गौरीकुंड में फ्लैश फ्लड हुआ, जिसकी वजह से 12 लोग अब मिसिंग हैं और शॉप्स वगैरह जो आते हैं पूरे वो बह के चले गए हैं। 12 लोगों की मिसिंग खबर आपको ला रहे हैं। केदारनाथ यात्रा रूट पर जो आ रही है, गौरीकुंड जो एरिया है जहाँ पर 3 शॉप्स बह के जा चुके हैं। रेस्क्यू एफर्ट चल रहा है हिल साइड के रीजन में। अक्सर बुलडोर्स यहाँ पर गिरते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं। बड़ा रिस्की ये मामला होता है, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन इसको चलते हुए काफ़ी अच्छे तौर पर चल रहे हैं। मौलाना उमर गौतम को मिली बेल अलाहाबाद हाई कोर्ट से 776 डेज के बाद। जून 20, 2021 को अथॉरिटीज ने अरेस्ट किया था गौतम को, जो कि मुस्लिम कन्वर्ट हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं और इस्लामिक दावा सेंटर के फाउंडर हैं और उनके कलीग एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, जो उनको ये माना जा रहा था, उन्हें एक्यूज़ किया गया था कि हज़ारों को वो इस्लाम में कन्वर्ट करें, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल हैं और अरेंजिंग मैरिज भी कर रहे हैं कन्वर्ट्स की। इस पर इल्ज़ाम लगाया गया था और कन्वर्जन का जो नया लॉ आ चुका है, जहां पर प्रोहिबिशन किया था, उत्तर प्रदेश की जो बात हम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अब क्लीन चिट मिल चुकी है और वो अब बाहर आ चुके हैं। गवर्नमेंट स्कूल की हालत आप देख सकते हैं। बुरसी विलेज की हम आपको खबर ला रहे हैं, जो वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जहां पर बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, बाहर बारिश आ रही हो और उसके बाद छत से पानी टपक रहा है और बच्चों को छतरी लेकर पढ़ाई करना पड़ रहा है। जयसनगर भुरसी विलेज का ये हम आपको खबर ला रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां पर ये वीडियो काफ़ी वायरल हुआ है और बच्चे अम्ब्रेला लेते हुए पढ़ते नजर आ रहे हैं। ईद मिलाद उन नबी मनाए मदीना मुनवरा में। 28 दिन का सितंबर उमरा इकोनॉमिक पैकेज 1,25,000 रुपए में। अल मिसबा को कांटेक्ट करें जनाब जावेद साहब को। एक और लिफ्ट की दुर्घटना। कल हमने आपको एक लिफ्ट के बारे में बताया जो उज्बेकिस्तान से आपको खबर लाई थी। ये नोएडा की एक लेडी है जो के सोसाइटी मेंटेनेंस फर्म के खिलाफ अभी केस रजिस्टर हो चुका है। एक एल्डरली वुमन थे, अराउंड 72 ईयर ओल्ड थे, शायद उन्हें पॉसिबल हार्ट अटैक हुआ होगा। क्या हुआ मामला ये देखिए कि ये बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग है, 25 फ्लोर पर आकर ये लिफ्ट जो है अचानक, यानी कि जैसे कि ऊपर वाले फ्लोर्स पर थी, जैसे ही उसका एक लिफ्ट का वायर कट गया, अचानक से ये लिफ्ट फास्ट से नीचे आना शुरू हो गई एकदम बहुत ही फोर्स से, और आकर 25 फ्लोर पर अटक गई। यानी उस परेशानी में, उस हैबत में, उस जो डर जो होता है, कहीं ना कहीं उन्हें कार्डियक अरेस्ट हो चुका है और उसके बाद उनकी मौत हो चुकी है। कंपनी पर और रेसिडेंशियल सोसाइटी पर केस भी रजिस्टर किया गया है। स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट की न्यूज ऑफ गुलबर्गा से हम आपको देंगे, क्योंकि गुलबर्गा में हो रहा है ग्रह ज्योति का लॉन्च, जहां पर सीएम सिद्धरामैया इस इनॉग्रेट करेंगे। डिप्टी सीएम डीकेश कुमार भी यहां पर मौजूद रहेंगे और एआईसीसी के प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर रहने वाले हैं। केजी जॉर्ज जो एनर्जी मिनिस्टर्स हैं हमारे कर्नाटक के, वो भी यहां पर रहेंगे। इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे ने इसको चलते हुए सारे डेवलपमेंट मीटिंग्स किए, जहां पर किस तरह से तैयारी चल रही है उसका आज जायजा लिया। आइए देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, एसडीपीआई पार्टी ने प्रोटेस्ट की है, जो ऑनगोइंग अटैक्स हो रहे हैं, वायलेंस हो रहा है मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और दलित के खिलाफ, उस पर उन्होंने बात की। आए देखते हैं इस मौके पर अली मिलाही का क्या कहना है। सबके सब आरपीएफ के ऊपर, जो आरपीएफ ऑफिसर है उसको बता रहे हैं ये पागल था, ये मेंटली डिसेबल था। बाबा अगर मेंटली डिसेबल था तो पुलिस की ड्यूटी में 12 साल क्या कर रहा था, झक मार रहा था क्या? 12 साल पुलिस में क्या कर रहा था? उसके बाद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने भी प्रोटेस्ट की है, उनका भी वही है मामला कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और दलित पर हरियाणा में खास तौर पर जिस तरह से मामला किया जा रहा है और अलग अलग जगहों पर जिस तरह से जो हादसे हो रहे हैं, उस पर उन्होंने बात की। जिस तरह से अमित शाह को तड़ी पार कराया था, उसी तरह से वहाँ के मोनू मनु सर जो हरियाणा में एक दंगाई बन के बैठा है, उसको तड़ी पार किया जाए देश से। अल मिसबा टूर्स एंड ट्रैवल्स का उमरा तरबियती कैंप रखा गया था मैजेस्टिक फंक्शन हॉल में, जहां पर कई सारे लोग जो उमरा ट्रैवल करने वाले हैं उनको ट्रेनिंग दी गई। साथ साथ इस बार के जो हाजी थे, जिन्होंने इस बार हज परफॉर्म किया था, उनका भी फेलिसिटेशन प्रोग्राम किया गया था। जावेद साहब जो काफ़ी
जो है इस चीजों में एक्सपीरियंस रखते हैं, उन जो लीड ले रहे हैं अलमिस्बा टूर्स एंड ट्रैवल्स की, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आइए देखते हैं। महाराजा रेस्टोरेंट एपीएमसी कमान गंज में आपके लिए स्पेशल ऑफर है। फैमिली के साथ अगर आप डिनर कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपको कैरेमल पुडिंग एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। तो देर ना करें, अभी विजिट करें। वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर भी बिल्कुल क्लियर है आज। हालांकि वेदर क्लियर था लेकिन थोड़ी बारिश देखने को मिली, लेकिन उसके अलावा गुड़गांव में डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर भी बारिश नहीं हुई थी। हल्की सी बारिश यहां पर हुई, लेकिन आज भी वेदर उस तरह से क्लियर रहने वाला है और आने वाले 3-4 दिन तक भी क्लियर बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू दी IMD। उसके बाद बता रहे हैं हम आपको, मिसिंग लड़का जिसका नाम है नुमान सनौफ अहमद पटेल, उम्र 16 साल, 1 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे से ये मिसिंग है। हेबली अलन तालुका की खबर है, तो अगर किसी को बच्चा नजर आता है तो प्लीज स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जी हाँ, मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहाँ पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है नेवर गिव अप बिकॉज यू नेवर नो इफ द नेक्स्ट ट्राई इज गोइंग टू बी द वन दैट वर्क्स। यानी कभी गिव अप ना करें, कभी हार ना माने, क्योंकि क्या पता जो आप अगली बार ट्राई करने वाले हैं उससे काम बन जाए। इसलिए आपका गोल जब तक अचीव नहीं होता है काम करते जाएं। हेल्थ एंड फिटनेस टिप्स आर ब्रॉट यू बाय अलमिस्बा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हर जुमरा सर्विसेज, नियर पाकिसा, अपोजिट इनामदार पेट्रोल पंप, दरगाह रोड, गुलबर्गा। आपको आईज की बेनिफिट्स में हम बात करते हैं। कुकुम्ब अगर आप अपनी आंख पर रखते हैं तो क्या क्या आपको फर्क मिलता है, ये तो फर्स्ट पहले ये है। खासकर लेडीज के लिए मैं बता रहा हूँ बात, कि स्किन टैन जो होता है, पोटेंट कूलिंग आपको मिलती है इसके अंदर, डार्क सर्कल्स आपके रेड्यूस हो जाते हैं, और सेलुलाइट को कॉम्बैट करता है, एक्ने को ट्रीट करता है, पिंपल्स को ट्रीट करता है, और आपके पफ्ड आईज जो है नेचुरल कूलिंग के साथ ये बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो जरूर से आप आजमा कर देखिएगा। कॉमन सेक्शन इज प्रेजेंटेड बाय रॉयल ओक इंटरनेशनल फर्नीचर, जहां पर आपको मिलते हैं ढेर सारे इंटरनेशनल फर्नीचर एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि यहां चल रहा है मॉनसून फेस्टिवल। SRS मेगा मॉल तीमापुरी सर्कल को विजिट करना ना भूलें, रॉयल ओक। उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कॉमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कॉमेंट आया है, फर्स्ट व्यू लिखा है सोशल मीडिया मूवीज ने। उसके बाद मोहम्मद जुनेद ने अस्सलाम वालेकुम सर लिखा, वालेकुम सलाम, अशरफ हुसैन ने सलाम लिखा है, सैयद जाफर ने गुड मॉर्निंग लिखा, अब्दुल माजिद ने जुमा मुबारक टू आवर फैमिली मेंबर लिखा है, और शेख रहीम लिख रहे हैं खाली ऐड ही है, 14 मिनट 9 मिनट ऐड ही है। कहते हैं भाई ऐड नहीं है, वो थॉट ऑफ द डे है, उसके अंदर कमेंट सेक्शन है, ये सब अलग अलग चीजें हैं, उस एडवर्टाइजमेंट में मत काउंट करिएगा, ये एक अलग अलग जो है सेक्शंस हैं। असमा जो ने सलाम लिखा है, सब लोगों ने गुड मॉर्निंग लिखा है, आप सबको गुड मॉर्निंग एंड वालेकुम सलाम। खैरत भाई मॉर्निंग, उज़्बेकिस्तान ने उसको बहुत अफसोस लिखे हैं, अब्दुल कलाम सौदागर, घर वालों की पूरी जिंदगी बिखर गई, उस तरह की बात करें। बिल्कुल सही कहा आपने, हज हाउस गुलबर्गा में कब बनने वाला है उसकी अपडेट आएंगी अमीन पाशा जुनेदी साहब, बहुत जल्द आपकी अपडेट आएंगी, क्योंकि जमीर अहमद साहब के पास जाकर बात भी की गई थी, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। मोहम्मद बेगम लिख रहे हैं जी ठीक है चलता, आप पढ़ते रहिए मैसेजेस, बोल के बोल रहे हैं। ग्रास ज्योति स्कीम का बहुत कंडीशन लगा रहे हैं, कंडीशन जेन्युइन होना चाहिए, लिख रहे हैं मोहम्मद गयासुद्दीन। दिल खान लिख रहे हैं तारा नल में पानी नहीं आ रहा, यानी अल्टरनेट डेज में पानी आ रहा है, पानी की बहुत तकलीफ हो रही है 4 से 5 दिन। आपका एरिया बताइए कौन से एरिया, क्योंकि ओवरऑल एरिया से पानी की प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन 24 पानी का लाना है, आई डोंट नो के लिए 24/7 सक्सेसफुल जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को 24/7 की जरूरत ही नहीं, बोल इस तरह की बात कर रहे हैं। मैं गुलबर्गा टू मुंबई जाने को बहुत तकलीफ होती है, न्यू ट्रेन है निकालने की अपील कीजिए। फिट फैज खान लिख रहे हैं जरूर हम बात करेंगे इस बारे में। खमर सुल्ताना लिख रही हैं कि टेरेस कांस्टेबल जब मेंटली अनस्टेबल था तो उनको गन लोडेड गन कैसा अलाउ किया गया, बिल्कुल सही कहा आपने, आइडेंटिफाई करें पर्टिकुलर रीजन को, कैसा ये कॉन्स्पिरेसी है, बहुत ही बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इस पर बात करना चाहिए, बड़े बड़े लीडर्स इस पर बात करना चाहिए। एक्चुअली सैयद मोहम्मद जिशान लिख रहे हैं वॉरिंग इज इक्वल वेस्ट ऑफ टाइम, गुड एंड बैड थिंग्स विल हैपन इन लाइफ, वी जस्ट हैव टू कीप लिविंग एंड नॉट स्ट्रेस ओवर, वी कांट कंट्रोल। गुड मॉर्निंग लिखा है, चाय के कप के साथ आप भी चाय पीजिए, हमें भी चाय पिलाइए, थैंक यू सो मच। सैयद वर्किंग लिख रहे हैं कि मुझे काफी खुशी हुई कि उनका कमेंट पढ़ा जा रहा है और उनका आंसर भी दिया जा रहा है, बहुत शुक्रिया। और गुड वर्क पठान सुफियान खान लिख रहे हैं, सब दुनिया के लिए आवाज उठाते हैं, आप दुनिया के साथ कब्रिस्तान के लिए आवाज उठाएं, लिख रहे हैं शेख मुख्तार। आफरीन खान लिख रहे हैं, ग्रह लक्ष्मी स्कीम की लास्ट डेट कब तक, ग्रह लक्ष्मी की कोई लास्ट डेट नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हैं।
समीर अहमद लिख रहे हैं, दो दिन से सोशल मीडिया ओपन करने पर दिल दहलाने वाली खबरें आ रही हैं। कभी तो ट्रेन में कत्ल हो रहा है, कभी मस्जिदों को आग लगाई जा रही है, इमाम साहब को कत्ल करना पड़ रहा है, अल्लाह हाफिज़ फरमाए लिख रहे हैं। भाई ये जो तुम बीच बीच में जो इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं समझ नहीं आता, पूरा हिंदी बोलो ना तो उर्दू बोलो। ESD साहब मेरी जो है एक्चुअली जो है लैंग्वेज ही मेरी ऐसी है कि मैं थोड़ा इंग्लिश बोलता हूँ, थोड़ा हिंदी बोलता हूँ, थोड़ा उर्दू बोलता हूँ, ताकि हर सेक्शन को कैटर कर सकूँ। क्योंकि ना मैं पूरा प्योर हिंदी में नहीं बोलता, मैं प्योर उर्दू भी मेरे को जो है ये नहीं आती, इसलिए ऑल मिक्स फ्रूट जूस हूँ समझा। डेली बुलेटिन शो आप सब देखते हैं, ढेर सारा प्यार हमें मिला है और अब तक ऑलमोस्ट हम लोग ने 500 से बढ़कर एपिसोड बनाए हैं डेली बेसिस पे, जो सुबह 8 बजे आपको मिलते हैं। हमारी कोशिश को काफी सारे एफर्ट्स लगते हैं, तो आप अगर हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम बहुत दूर जा सकते हैं। लेट्स गो फार, फास्ट, एक्यूरेट और रिलायबल। जी आप बन सकते हैं गोहैश के मेंबर। मेंबर बनने के लिए आपको जो लिंक दिख रहा है उसे आप क्लिक करें, एक सब्सक्रिप्शन का बॉक्स आएगा, 500 रुपीज, 1000 रुपीज, 2000 रुपीज, जो भी है आप इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को दे सकते हैं, क्योंकि एफर्ट्स लगते हैं और आपके सपोर्ट के साथ हम बहुत दूर जा सकते हैं। तो काइंडली प्लीज गो अहेड एंड सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड कीप वॉचिंग। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. Daily Bulletin is powered by Fine Art Designers, a complete menswear and kidswear, exclusive for suits and sherwanis.